हाँ चलिए सबसे पहले तो शादी की ढेर सारी बधाई। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। स्टूडियो के लिए आपको बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। बताइए कि किसका ये थॉट था एंड ये बहुत ही अच्छा हमें वीडियो देखने को मिला। जी अतरंग्स एक्चुअली आवेज जैद अनम और नगमा का बेबी है। अतरंग्स उनका एक ग्रुप है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को यू नो इंक्लूड किया है ताकि वो और भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ। कंटेंट क्रिएशन तो वो करते ही हैं, सोशल मीडिया के वो किंग्स हैं ही, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इससे एक लोगों को सीख भी दे, क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों को अभी वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पीपल वॉन्ट टू लर्न हाउ टू एडिट, हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट, हाउ टू डांस, हाउ टू डू क्रिएटिव थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई भी जाएंगी। और ऑफकोर्स आई थिंक बॉम्बे के सबसे बेस्ट डांस स्टूडियोज़ भी यही होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एंड जिस तरीके से जैद ने इसे डिज़ाइन किया, बिकॉज ये पूरी जगह जैद ने खुद डिज़ाइन की है, तो यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं, शूट्स हर किस्म के हो सकते हैं, सोशल मीडिया से लेके आप जो यू नो अगर टीवी की रिक्वायरमेंट्स हैं या फिल्म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शूट भी हो सकती हैं। एंड अतरंग्स इज इनिशियली उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया था एंड दैट्स हाउ दे कॉल दिस प्लेस अतरंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बहुत ही अमेजिंग किया आपने जैसे वीडियो देखा है। एवरी स्टूडियो इज़ डिफरेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ का अलग है, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ढेरों सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली, आपका फेवरेट क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ? लाइक आई थिंक इनके स्टूडियोज़ इतने वेल इक्विप्ड हैं, यहाँ का साउंड, यहाँ का स्पेस इतना बड़ा है कि कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आता है। सो आई थिंक आई लाइक डांसिंग ओवर हियर लॉट। आइडिया आपने ही दिया होगा मैम, क्योंकि आप बहुत ही समझदार हैं, तो इस तरह के आइडियाज आपने दिए होंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये सारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जैद के हैं। इनफैक्ट मैं अमेज थी क्योंकि ये जब मैं जैद से मिली थी तो ये ऑलरेडी जगह बन रही थी, तो ऐसा इसमें मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। दिस इज़ ऑल अतरंग्स, आवेज नगमा एंड जैद एंड अनम, और इनसे कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता है बिकॉज ये सब इनका ब्रेन चाइल्ड है एंड डिज़ाइनिंग पूरी जैद की है। तो जो भी आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली जैद का ब्रेन है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी, ऑल फोर ऑफ देम बहुत मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही टफ करियर है, तो जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से जितना इन्होंने अपने आप को किंग्स बना लिया है इस मीडियम का, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैम टैंडम की काफ़ी बात चल रही है, सोशल मीडिया में काफ़ी धमाल मच रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी कि तांडव को इतना अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनफैक्ट अलीबा जफर के साथ काम करने का तो मेरा ख्वाब था, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही अप्रोच मी फॉर दिस रोल ऑफ मैथिली शरण। एंड ऑफकोर्स टाकास तो इतनी बढ़िया है कि एवरीबडी इज़ लाइक वेटिंग फॉर द 15th of January, तो मैं भी वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक शो देखा नहीं है। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग कि ये शो को उतना ही प्यार मिले जितना कि मेरे सारे काम को मिलता रहा। सर मैं तांडव के बारे में यहाँ नहीं बात कर सकती हूँ। अब वी हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑफकोर्स टू स्टार इन थिंग्स, एक्टिंग या वीडियोज़ या जो भी है। अब मेरे शादी को 15 दिन नहीं हुए हैं एंड आफ्टर माई वलीमा आई हैव बीन शूटिंग एवरी डे बिकॉज आई एम डूइंग अ फिल्म एंड आई एम डूइंग टू अदर शोज। तो लिटरली एज यू कैन सी मेरी मेहंदी उतर गई है, लेकिन मैंने एक भी दिन का हॉलीडे नहीं इन्जॉय किया है। सो बहुत कुछ काम है, साथ करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय इट अ लिटिल बिट बिकॉज आई एम टिल अप्रैल आई एम शूटिंग बैक टू बैक, सो आई डोंट इवन नो व्हेन आई एम गोना गो फॉर अ हॉलीडे। आखिरी सवाल, मुझे मालूम है, आई अंडरस्टैंड जैसे आपने कहा कि आज इस बारे में बात, मैथिली शरण की जब मैं बात करता हूँ, जितनी भी आप ट्रेलर में जो नज़र आते हैं, बड़ी प्रेजेंस महसूस होती है बीइंग इन एन ऑडियंस, और लगता है कि ये बहुत कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ करने जा रही है, जिस तरह के साड़ी जो आपका किरदार भी है कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा, और क्योंकि सुना नहीं कुछ भी। मैथिली शरण बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किरदार है, लड़की है, ऑफकोर्स पोलिटिकल वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा है। क्या कर रही है वो तो आपको शो देख के ही मालूम पड़ेगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यस इतना यू नो थमा हुआ रोल अब तक मैंने कोई कैरेक्टर में प्ले नहीं किया है। एंड शी इज़ अ वुमन विद वेरी लेस वर्ड्स, लेकिन शी कैन प्ले हर मूव्स। सो लेट्स सी, तांडव देखिए और फिर मुझे बताइए कैसा लगा। बिग बॉस मैं नहीं देख रही हूँ, सो आई कॉन्ट रियली कॉमेंट ऑन इट। एज आई टोल्ड यू सर, आई एम नॉट हियर फॉर बिग बॉस, आई एम हियर फॉर अतरंग्स राइट नाउ। बिग बॉस के लिए जब गई थी तब 2 हफ्ते धमाल मचा के आई थी ना, अब जब जाऊंगी तब बात करूंगी। अरे कभी ना कभी तो जाऊंगी ना, अगले सीजन में, उसके अगले सीजन में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।
एंड वेरी वेरी गुड थॉट आई वुड से। और वीडियो बहुत बढ़िया बनाया है, मज़ा आ गया। मतलब यही है कि नए लोगों को मौका मिलेगा और जो लोग ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पे उनको एक स्पेस मिल जाएगी एक अच्छा कुछ करने की, अच्छा बनाने की। सो वेरी हैप्पी फॉर देम, खुशी की बात है, अच्छी शुरुआत है। सो नाइस। अतरंगी जगह यार, अतरंगी चीज़ें होंगी यहाँ पे, अतरंगी कंटेंट बनेगा, बढ़िया कंटेंट बनेगा। तो वो आपको जैसे नाम बोलते हैं तो नाम बड़ा बढ़िया रखा है, सोच के रखा है। तो जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं आधे से ज़्यादा अतरंगी होते, तो अतरंगी काम है और अतरंगी नाम है। सो या अभी तो पिकअप होगा, अभी तो पिकअप कुछ हुआ नहीं है अभी। मतलब चीज़ें आधे लोग तो अभी निकाल नहीं रहे, आधे लोग धीरे धीरे करके निकालेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी कितना वापस लोग जा रहे हैं। सी डेफिनेटली जाएंगे तो सही, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी फिल्में लगने वाली हैं। अब कुछ बड़ी फिल्में आएंगी डेफिनेटली क्राउड पुल करेंगे, क्राउड पुल होंगी तो वापस लोग वापस थिएटर में जाएंगे। एंड एज इट इज लाइक 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना ऑब्वियसली फॉर द फ्रंटलाइन, बट आई थिंक इट विल बी स्लो बट विल पिक अप। कुछ महीने सबको कॉशियस रहना है और सेफ्टी बनाए रखनी है। आखिरी सवाल आप दोनों से, क्या आपको लगता है कि इस महामारी के दौरान जिस तरह से जो बूस्ट या मैं कहूँगा जो क्रांति आई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, all the biggies of the industry becoming a part of digital world, kya kehna chahenge aur zyada asar pada hai? See, achhi main to keh raha hu, achhi baat hai, jitna alag alag platforms badhenge utna aur logo ko kaam milega, to wo bahut achhi cheez ho jati hai kyunki ab bade to kar hi rahe hain, jo bagar aap jo television mein hai wo bhi digital kar raha hai, jo film hai wo bhi digital kar raha hai, jo bahut naye log hain theater se aaye hain alag alag platform aur jagahon se kiye hain wo bhi kar rahe hain। So it's digital to matlab it's become a very big thing now and there are so many actors and there's so much work happening, so yeah. It's always a good thing ki you know sabko ek platform mil raha hai, so definitely I think pandemic se ek achhi cheez ye zarur hui hai ki that's really boost, it's given it a boost. Thank you ji, thank you so much.